शांति। आज की तारीख है 19/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बताइए कौन सा प्रश्न है जो हमें बाप को नहीं पूछना चाहिए। अगर हम पूछते हैं तो बाप की इंसल्ट है। तो आइए जानते हैं, उत्तर है, बच्चे बाप से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बाबा आपकी इस तन में पदरामणी कब तक है, वह विनाश कब होगा। किसी का कोई गीत चलता हो, लंबे समय से चलता हो, और फिर हम पूछें कि ये गीत इनका कब तक चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी इस गीत को सुनना नहीं चाहते, गीत सुनाने वाला चला जाए और गीत को समाप्त कर दिया जाए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते, ये जैसे प्रश्न तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। तो बाबा कहते, ये प्रश्न आप यदि मेहमान को पूछेंगे तो मेहमान को क्या लगेगा कि क्या हम इनके लिए बोझ हैं, क्या इनको हमारा गाना सुनाना पसंद नहीं है। तो शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं समझते हो कि बोझ है इसीलिए ना खुश हो रहे हो। नहीं, बाबा कहते तुम बच्चे तो मेरी हाजिरी के कारण खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। दिव्य बुद्धि मिली है ना, तो सोच समझ कर प्रश्न करना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। नंबर दो, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, दुनिया वालों को हर कदम में क्या है, चिंता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में क्या है, परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन के करने वाले हैं, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य को सहज और सफलता से कर रहे हो और हो रहा है, सब ठीक चल रहा है और चलना ही है, कराने वाला करा रहा है, सिर्फ हमें तन मन धन निमित्त बनकर सफल करना है, यही है बेफिक्र
निश्चिंत स्थिति। स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते चलो। क्या लेना होगा संतुष्टता के लिए? सर्व की दुआएं लेनी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।